नमस्ते। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि साहिल भाई आगे क्या हुआ, साहिल भाई आगे क्या हुआ, कहानी आधी में रोक दी, अब नूजोत कैसी है, अब नूजोत कहाँ है। और भला हो उन लोगों का, कुछ महान लोगों ने, कुछ लोग जिनका हृदय बहुत विशाल है, उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर नूजोत पढ़ना चाहती है तो हम आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार है। पढ़कर बहुत अच्छा लगा, इंसानियत मरी नहीं है दुनिया में। आगे क्या हुआ नूजोत, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, नूजोत न्यायालय पहुंची और मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए करके कहने लगी। नूजोत को के लिए एक लॉयर आई, शादा नाजर। लॉयर शादा बहुत ही अच्छी लॉयर थी। पहली बार यमन टाइम्स अखबार में नूजोत की कहानी छपी और वहां से नूजोत की कहानी काफी सारे अखबारों में छप गई। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स, लंदन टाइम्स, पेरिस टाइम्स, कई सारे अखबारों में नूजोत की कहानी आई कि 10 साल की लड़कियां गुड्डे गुड़ियों के लिए रोती है, बारबी डॉल के लिए रोती है, 10 साल की लड़कियां नए फ्रॉक के लिए रोती है, 10 साल की लड़कियां जेवरात के लिए रोती है या आइसक्रीम के लिए रोती है। क्या आपने कभी देखा है किसी 10 साल की लड़की को तलाक चाहिए करके रोते हुए? करके ऐसी कहानी के साथ कई सारे अखबारों में नूजोत की कहानी छपी। जैसे ही नूजोत ने तलाक के लिए अप्लाई किया, सबसे पहले समस्या ये थी कि इतनी बड़ी कदम उठाने के बाद नूजोत को घर तो वापस नहीं भेज सकती। उसे घर वापस भेजेंगे तो शायद वो गायब ही हो जाए। एक भले जज, जज अब्दुल वाहिद ने कहा कि थोड़े दिनों के लिए, जब तक कोई और इंतजाम नहीं हो जाता, नूजोत मेरे घर में रह सकती है। ऐसा बोलकर जज वाहिद नूजोत को अपने घर ले गए। फिर नूजोत के एक मामा थे जो कि यमनी सैन्य में सैनिक थे, ही वॉज अ सोल्जर इन द यमन आर्मी। उन्होंने बोला ठीक है, मुकदमा खत्म होने तक नूजोत मेरे घर में रह सकती है। तो तलाक के लिए अप्लाई करने के बाद नूजोत जाकर अपने मामा के साथ रहने लगी। फिर न्यायालय में नूजोत के पिता और नूजोत के पति दोनों आए। पहले नूजोत के पिता से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये तो 13 साल की है, ये कहां 10 साल की है, ये कहां 9 साल की है, ये तो 13 साल की है। फिर नूजोत के पति ने भी वही कहा, ये तो 13 साल की है करके। जैसे तैसे लॉयर शादा ने यह साबित किया कि नूजोत 9 या 10 साल की है, उससे ज्यादा नहीं। यमन के छोटे से गांव में इतनी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का भी कुछ था नहीं। स्कूल रिकॉर्ड्स ये वो निकालकर शादा ने साबित किया कि नूजोत मैक्सिमम 10 साल की है, एक्चुअली 9 साल की भी हो सकती है। उसके बाद पहले जज ने कहा कि नूजोत, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है और तुम छोटी हो, ऐसा करते हैं हम तुम्हें 3 साल का एक कूलिंग पीरियड या रिप्राइव या 3 साल का एक स्लीपिंग पीरियड या अलोन पीरियड कुछ भी देते हैं। तुम 3 साल माँ के घर में रहो, 3 साल मायके में ही रहो, 3 साल बाद जब तुम सचमुच 13 साल की हो जाओगी तब वापस ससुराल जाना इसी पति के पास, और तुम्हारा पति भी मान गया है। तो लॉयर शादा ने कहा, नहीं नहीं, ये क्या न्याय हुई, हमें पूरा कट ऑफ, फुल डिवोर्स चाहिए, पूरा कट तलाक चाहिए, हमें ये 3 साल के बाद जाना वाना नहीं चाहिए, फुल डिवोर्स चाहिए। जब लॉयर शादा ने ऐसा कहा तो मेहर के लिए न्यायालय में जोर से झगड़ा हुआ। नूजोत के पति ने कहा कि मैंने इतना मेहर दिया है, उतना मेहर दिया है, 50,000 रियाल दिए हैं, 60,000 रियाल दिए हैं, इतने रियाल दिए हैं, उतने रियाल दिए हैं। नूजोत के पिता ने कहा, नहीं नहीं नहीं, वो तो सिर्फ कागज पे था, असली में मुझे कुछ नहीं मिला है। तो मेहर को लेकर आना तानी हुई, कितना लौटाना है, कितना नहीं लौटाना है, वगैरह वगैरह, लेकिन आखिरकार नूजोत को तलाक मिल गई। ये सारी कहानी कहां तक पहुंची? अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की पत्नी हिलरी क्लिंटन तक पहुंची, जो कि उस समय स्वयं सेनेटर थी। वो सेनेटर थी और उनके कानों तक पहुंची, उन्होंने अखबारों में पढ़ा। हिलरी क्लिंटन ने फोन किया यमन में, जो अमेरिकन एम्बेसडर होते हैं उनको फोन किया और पूछा
ये नूजोत कौन है? मुझे नूजोत से मिलना है, उसे अमेरिका लेके आने का इंतजाम किया जाए, मैं मिलना चाहती हूँ करकी। तो अपने खर्चे पर यमन में जो अमेरिकी एम्बेसडर रहती थी वो नूजोत और लॉयर शादा दोनों को अमेरिका लेके गए हिलरी क्लिंटन से मिलने। वो प्रसिद्ध तस्वीर थी जहां हिलरी क्लिंटन ऐसे गले लगा रही है नूजोत को और शादा को थैंक यू कह रही है। हिलरी क्लिंटन और नूजोत की तस्वीरें सारे टीवी चैनल्स पे आई, सारे मैगजीन्स पे आई। बहुत सारी संस्थाओं ने नूजोत को इनाम दिया, बहुत सारे अमीर इंडिविजुअल लोगों ने भी नूजोत को इनाम दिया। $500, $100, $1,000, $200, £100, £50, £500, बेशुमार पैसा आया। लेकिन यमन का कानून है, यमन का कानून ये कहता है कि महिला अकेली बैंक अकाउंट नहीं रख सकती, क्योंकि महिला की बुद्धि कम होती है, महिला पैदाइशी मंद बुद्धि या कम बुद्धि वाली होती है, इसीलिए महिला की हमेशा जॉइंट अकाउंट ही होना चाहिए पिता पति या भाई बेटे के साथ। तो क्योंकि यमन का कानून ही ऐसा था, वो सारा पैसा नूजोत और उसके पिता के जॉइंट अकाउंट में गया। उसके बाद फ्रेंच ऑथर डेल्फाइन मेनुई ने नूजोत का पूरा संदर्शन लिया और ये पुस्तक लिखा। ये पुस्तक सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखी गई, उसके बाद इंग्लिश, स्पैनिश, अरबिक, सारे भाषाओं में भाषांतर हुई। लाखों 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 कॉपीज बिकी हैं इस पुस्तक की, और डेल्फाइन मेनुई ने भी एक पैसा अपने लिए नहीं रखा। पुस्तक बेच के सारा प्रॉफिट, सारा पैसा उसी जॉइंट अकाउंट में डाला। तो बेशुमार पैसा आया उस जॉइंट अकाउंट में। क्या हुआ? नूजोत के पिता ने सारा पैसा विथड्रॉ किया और आए हुए बेशुमार दौलत से नूजोत के पिता ने एक बड़ा आलीशान सा घर बनवाया। घर बनवाने के बाद नूजोत के पिता ने एक और शादी किया। दो पत्नी और 21 बच्चे वाले नूजोत के पिता ने तीसरी शादी की। उधर नूजोत के पति ने जिद में आकर दो 10-10 लड़कियों साल की लड़कियों के साथ शादी की। इस बीच वियन्ना में एक और विमेंस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। वियन्ना में जो विमेंस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसके लिए नूजोत को बुलाया गया, और वियन्ना से लॉयर शादा और नूजोत को फोन आया कि आप वियन्ना आइए, वियन्ना में आप भाषण दीजिए, नूजोत की कहानी सुनाइए, हम आपको सम्मान करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नूजोत की कहानी और लोग सुने। तब यमन के संसद भवन में इसको लेकर बहुत विरोध हुआ। यमन के संसद भवन में यमन के कई सारे सांसद बहुत गुस्से में आए, क्योंकि तब तक क्या हो गया था, नूजोत के नक्शे कदम पर नूजोत को देख देख कर कई सारी 11 साल की, 12 साल की, 10 साल की लड़कियां तलाक मांगने कोर्ट पहुंच गई थी। तो कई सारी 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की लड़कियां बिल्कुल नूजोत की तरह हमें तलाक चाहिए, हमें तलाक चाहिए करके कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही थी। तो ये सांसद सारे भड़क गए, कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, हमारे समाज बिगड़ रहा है, हमारी संस्कृति बिगड़ रही है, इस नूजोत को देखकर 13 साल की लड़कियां, 12 साल की लड़कियां, 11 साल की लड़कियां, 10 साल की लड़कियां, हम छोटे हैं, हमारी शादी की उम्र नहीं हुई है, हम छोटे हैं कहने लगे हैं। 12 साल की लड़कियां, हमारी शादी की उम्र नहीं है, हम छोटे हैं कहने लगे तो हमारे समाज का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, हमारी कानून का क्या होगा करके सांसद सब भड़क गए। नूजोत की पासपोर्ट छीन ली और नूजोत को वियन्ना जाने नहीं दिया। इस बीच क्या हुआ, एक अजीब सी प्रथा थी यमन में, ये पेज मैं आपको ऐसे ही पढ़ के सुनाती हूं। एक 9 साल की बच्ची की शादी एक 52 साल के अरबी आदमी, सऊदी अरबी के आदमी के साथ करवा दी गई थी। ये बच्ची को वो 52 साल का आदमी सहन नहीं हुआ और शादी के थोड़े ही दिनों में वो लड़की मर गई। यमन में ये प्रथा है कि ऐसा हुआ, अगर तुमने एक बेटी की शादी करवा दी और वो लड़की वहां जाके सहन नहीं हो रहा है करके मर गई, तो उसकी बड़ी बहन या छोटी बहन को तुम्हें उसकी जगह, उसकी रिप्लेसमेंट
मैं रिप्लेसमेंट करके मैं शब्द उपयोग नहीं करना चाहती। कोई स्कूटर है हा? कोई मिक्सी है, कोई मोबाइल है कि खराब हो गया तुम हमने दूसरा रिप्लेसमेंट भेज दिया। जीती जागती लड़की है। तो ऐसे भी कई सारे किस्से हुए कि बहुत सारी लड़कियां न्यायालय पहुंची, बोली जिस घर में दीदी मर गई है उस घर में हम दीदी की रिप्लेसमेंट बनकर नहीं जाएंगे। तो ये सब देखकर यमन के सांसद भड़क गए और नुजोद को वियना जाने से रोक लिया। वहां नुजोद के पिता सार बेशुमार पैसा आया था अचानक, बड़े मजे से रह रहे थे, आलीशान बंगलों में तीन तीन पत्नियों के साथ रह रहे थे, और उन्होंने अपनी एक और बेटी हाइफा की वापस से 9 साल की उम्र में शादी करवा दी। तो नुजोद के पिता ने एक और शादी की, नुजोद के पति ने 2 10-10 साल की लड़कियों से शादी की, नुजोद की बहन हाइफा की फिर से वापस से 9 साल की उम्र में शादी हो गई। नुजोद कुछ नहीं कर पाई और नुजोद के पिता ने नुजोद को घर से निकाल दिया। जिस नुजोद के पैसों से घर बनवाया था उस घर से नुजोद को निकाल दिया, यह कहकर कि तुम्हारे कारण बिरादरी में नाक कट गई, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। रोज कोई ना कोई रिपोर्टर आ जाता है, पूछने लगता है कि हमें नुजोद से मिलना है, नुजोद से मिलना है। तुम्हारे कारण घर के बाहर कैमरा वालों की लाइन लगी रहती है, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे करके नुजोद के पैसों से बनाए हुए घर से नुजोद को निकाल दिया। नुजोद जाकर अपने भैया और भाभी के साथ एक छोटे से घर में रहने लगी। भाई कितने दिन रखेगा? एक दिन भाई ने कहा, देखो नुजोद रिश्ता आया है, कितने दिन मेरे साथ रहोगी, अभी तुम भी शादी करके निकलो मेरे घर से। और इस तरह 14 या 15 साल की उम्र में नुजोद की फिर से शादी हो गई। जहां तक हमें मालूम है, CNN को नुजोद ने 2019 में कोरोना से थोड़ा पहले CNN को एक इंटरव्यू दिया था। वो नुजोद की आखिरी इंटरव्यू है शायद। अगर उसके बाद कोई इंटरव्यू छपी है तो हमें लिंक भेज दीजिए, हम भी पढ़ना चाहेंगे। जहां तक हमें मालूम है 2019 वाली इंटरव्यू नुजोद की आखिरी इंटरव्यू है। उसमें नुजोद ने कहा कि अब मेरी शादी हो गई है, 2 बेटियां हैं, पढ़ने लिखने का, लॉयर बनने का मेरा सपना कुछ सच नहीं हुआ। मैं वापस से उसी समाज में, उसी कायदे कानून में, उसी शहरिया लॉ में मैं वापस से जी रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी बहन हाइफा की फिर से 9 साल की उम्र में शादी ना हो, लेकिन मैं रोक नहीं सकी। और हाइफा भी वही जीवन जी रही है और मेरी 2 बेटियां हैं, ऐसा नुजोद ने इंटरव्यू में बताया था। तो यही है नुजोद की आगे की कहानी। कहते हुए बहुत बुरा लगता है पर नुजोद हार गई। ये मत समझिए कि वो शारिया के विरुद्ध लड़ी, जीती, जीवन भर खुश रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नुजोद हार गई। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ